हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ये होता क्या है। प्रॉपर्टी राइट्स दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। फिजिकल में हमारे हाउस होल्ड और लैंड गुड्स आते हैं, मतलब हमारी जमीन, हमारे घर, ये सब फिजिकल में आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल में हमारी कोई ट्रांसफॉर्म की गई हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल टेक्नोलॉजी हो, कोई आइडिया, कोई डिजाइन, कुछ इन्वेंशन किया हो, वो सब हमारे इंटेलेक्चुअल में आते हैं। तो दो तरह के मैंने बताए हैं, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। अब जान लेते हैं, जनरली द फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज हाउस होल्ड गुड्स और लैंड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। बेसिकली किसी चीज को बचाने के लिए कोई पर्सन, जमीन है जैसे, जमीन को बचाने के लिए इंसान अपने नाम करवा लेता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून के द्वारा वो अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाता है दूसरे से, कि कहीं कल दूसरा आके ये ना कह दे कि ये जमीन मेरी थी। तो कुछ कानून की मदद से उन चीजों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फिजिकल में हमारा घर या हमारी जमीनें आ गई, इंटेलेक्चुअल में हमारे आइडिया, डिजाइन या इन्वेंशन आ गई। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज हाउस होल्ड गुड्स और लैंड्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन। सिमिलरली अ कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी। जिस तरीके से हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है, उसी तरह हमारी कंट्री के भी अपनी अलग से प्रॉपर्टी है। द ऑनरशिप एंड राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इज प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन लॉज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। ये हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कानून बनाया है उस कानून की मदद से हम अपनी जमीन, अपने घर और अपने आइडियाज, इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये राइट्स रखे गए। आगे इसके फॉर्म्स हैं कि किस किस फॉर्म में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसके अंडर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द डिस्कवरर हैज फुल राइट्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड बाय द अदर्स विदाउट लीगल परमिशन। जब कोई इंसान, कोई डिस्कवरर या जिसकी जमीन है, जब वो लीगल परमिशन ले लेता है, तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता कि ये तुम्हारी चीज़ें नहीं है। उसका लीगली उस चीज़ के ऊपर हक हो जाता है जब वो ये राइट्स ले लेता है। तो ये था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का थोड़ा सा। अब हम इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और PCR, तो GI। तो अब हम इनकी फॉर्म्स पढ़ेंगे डिटेल में। ये है फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, किस किस तरीके से कर सकते हैं। पेटेंट की हेल्प से, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, PBR मतलब प्लांट ब्रीडर्स राइट। PBR के बारे में हम जान लेते हैं। ये पहले हमारे इंडिया में, हमारे डेवलप, ये जो है PBR डेवलप्ड कंट्री में अलाउ है, हमारे इंडिया में नहीं है। ये क्रॉप वैरायटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला राइट इस्तेमाल किया जाता है। PBR ये पहले नहीं होता था, 1999 के बाद इसको अलाउ कर दिया है। पहले फार्मेक्यूटिकल फूड्स पर ये अलाउ नहीं था, पर अब कर दिया है उन्होंने। अब आती है बात पेटेंट की। पेटेंट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है। इसकी लिमिट है कि हर 15 से 20 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है लिमिट स्पेस। ये जो पेटेंट होगा आपकी कंट्री में ही होगा, इससे बाहर किसी और कंट्री में जाके आप नहीं कह सकते कि ये हमारी चीज है। पेटेंट कंसिस्ट ऑफ तीन पार्ट में डिवाइड है। पेटेंट ग्रांट, स्पेशलाइजेशन और क्लेम। नोवेल्टी, ये होना चाहिए कि आप किस चीज का पेटेंट कर सकते हो, कोई चीज अगर नई इन्वेंट की है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई पुरानी चीज हटा दी और आपने कह दिया कि ये हमने बनाया है, ये हमने डिस्कवर किया है, इसका पेटेंट हमें चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम नई चीज होनी चाहिए, नई चीज इन्वेंट होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस, उसका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ बना दो, उसका कुछ यूज़ नहीं है और आप कह दो कि ये हमने बनाया है, इसका हमें पेटेंट चाहिए। उसका यूज़ होना चाहिए, वो यूजफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेरेंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर 1970 में ये एक्ट था जिसमें ये कहा था कि इसमें ये पता होना चाहिए कि किसको पेटेंट मिलना चाहिए और किसको पेटेंट नहीं मिलना चाहिए।
ये था हमारा पेटेंट के बारे में। अब हम देखेंगे कॉपीराइट, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्म्स जो प्रोटेक्शन की है, पांच तरह के पढ़ेंगे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क एंड पीवीआर। ये क्रॉप वेराइटीज के लिए है। प्लांट ब्रीडर राइट, ये डेवलप्ड कंट्रीज में था पर इंडिया में नहीं है, पर अब ये पीवीआर अलाउ कर दिया गया है। क्रॉप वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पीवीआर राइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेटेंट, ये गवर्नमेंट अपने ऑफिस में बुलाती है, साइन करवाती है, कागज वगैरह करवाती है इकट्ठे और साइन करवाती है, तब उनको पेटेंट मिलता है। गवर्नमेंट अपने ऑफिस में ही बुलाती है। टाइम लिमिट ये है 15 से 20 साल, इसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा पेटेंट। स्पेस है, आप अपनी कंट्री तक ही सीमित रह सकते हैं, किसी और कंट्री के बारे में आप किसी और कंट्री में जाके आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा पेटेंट है। पेटेंट तीन पार्ट्स में है, ग्रांट, स्पेशलाइजेशन एंड क्लेम्स। नोवेल्टी मतलब नई होनी चाहिए चीज़, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस, यूजफुल होनी चाहिए वो, एंड पेरेंटेबिलिटी, ये देखते हैं कि किसको हमें पेटेंट देना चाहिए और किसको पेटेंट नहीं देना चाहिए। अब हम देखेंगे कॉपीराइट्स के बारे में। ये है कॉपीराइट। आगे बढ़ने से पहले कहूंगी कि वीडियो आई नो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। सो कॉपीराइट, ये जो एक्ट आया था जब ये स्टार्टिंग हुई 1957 में हुई, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं। हम टॉपिक ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बुक्स, बुक्स का कॉपीराइट, जैसे कि द मटेरियल कैन नॉट बी रीप्रिंटेड और रिप्रोड्यूस विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर। कोई ऑथर है, उसने कुछ ने बुक लिखी है, तो सिर्फ वो ही रिप्रिंट या रिप्रोड्यूस करा सकता है, बिना उसकी रिटन परमिशन के आप उसको नहीं छेड़ सकते। ये होता है कॉपीराइट। बेस्ट एग्जांपल बुक दिया है। कॉपीराइट का सिंबल ये होता है सी, सी के बाहर एक बड़ा सा सर्कल। कॉपीराइट पब्लिकेशन, हर एक बुक के पीछे आपको ये सिंबल मिल जाएगा। टाइम पीरियड इसका 60 साल से लेकर लाइफ टाइम तक हो सकता है। किस किस चीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपीराइट की मदद से? लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ फिल्म और फोटोग्राफ, अ साउंड रिकॉर्डिंग, अ कंप्यूटर जनरेटेड वर्क, इन सब चीजों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपीराइट की मदद से। हम पढ़ ही यही रहे हैं कि हम अपने जो सामान है, कुछ लैंड है या कुछ भी चीज है, हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉपीराइट्स के बुक्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा कॉपीराइट। जिस तरीके से पेटेंट हमारे जो टेलीफोन के लिए करी थी अब्राहम बेल ने, उनके लिए उन्होंने पेटेंट ले लिया था कि ये इसके डिस्कवरर ये हैं, इसी तरीके से कॉपीराइट में बुक्स का एग्जांपल दिया है कि बिना किसी जो ऑथर है जिसने वो बुक लिखी है उसके बिना रिटन परमिशन के आप उस बुक का कुछ भी रीप्रिंट नहीं कर सकते या कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना उनकी रिटन परमिशन के। ये था कॉपीराइट। अब आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या है? सो हम ट्रेड सीक्रेट जान लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला। कोई ओनर है, जैसे कोका कोला का फॉर्मूला सिर्फ ओनर को पता है, जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है, वो किसी और को नहीं बताएगा। उस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत पैसा देता है। ट्रेड सीक्रेट का है, लाइफ टाइम का है प्रोसेस। एक बार आपने करा दिया छुट्टी, कॉस्टली इसलिए बहुत होता है क्योंकि लाइफ टाइम का हमने करा दिया। कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उसके ओनर को पता है और उससे उसको बेनिफिट हो रहा है, वो सीक्रेट सीक्रेट रहे इसलिए उसको किसके अंदर करते हैं, ट्रेड सीक्रेट ले लेते हैं। उसके बाद वो सीक्रेट सीक्रेट ही रह जाता है, सिर्फ ओनर को पता होता है, किसी और को पता नहीं होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे सेल लाइन हो गया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टेन करना हो गया, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो गई,
उसके लिए ट्रेड सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सीक्रेट सिर्फ ओनर को पता रहे, किसी और को लाइफ टाइम कभी पता ही ना चले। इस हिसाब से ट्रेड सीक्रेट का इस्तेमाल किया जाता है अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आती है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। इसमें प्लांट की जो ब्रीडर्स है, ठीक है, प्लांट ब्रीडर्स प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या है, हम नेचुरल चीज़ को नहीं कर सकते। अब कोई पेड़ खड़ा है नेचुरली, अब ये नहीं कह सकते कि ये हमारी इन्वेंशन है। आपको इन्वेंशन ब्रीडर्स का मतलब क्या होगा, कोई दो ब्रीड को जब आप करके कुछ नई ब्रीड बनाते हो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई नेचुरल चीज़ है आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले क्या होता था कि ये जो राइट है ये डेवलप्ड कंट्री में होता था, इंडिया में नहीं होता था, पर अब ये इंडिया में भी अलाउ कर दिया गया है। पहले फार्मास्यूटिकल फूड या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह होती थी उसके ऊपर इस राइट को अप्लाई नहीं कर सकते थे, पर एक्ट 1999 के बाद ये एक्ट चालू हो, इस पे परमिशन मिल गई है, अब अलाउ कर दिया है फार्मास्यूटिकल फूड या ड्रग्स वगैरह पर। तो ये था हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जिसमें हमने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड मार्क्स और ये प्लांट ब्रीडर राइट पढ़ा है कि हम कैसे अपनी वैरायटीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोई डाउट